Greetings from Samir Malik, Heart Care Foundation Fund, initiative of Heart Care Foundation of India. I am Dr. K.K. Agarwal. मेरे साथ में आज हमारे साथ में किरण सोनी जी भी हमारे साथ में हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं. और मेरे साथ में एक पेशेंट है आर्ची करके, शेयरिंग आर्ची, 55 ईयर ओल्ड मेल. और इसको 9 मार्च 2018 में एक हल्का सा TIA हुआ था. इससे पहले इसको इंट्रीएबल हार्ट अटैक हुआ था. इसकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी के अंदर में इसकी LAD 100% है और रेट्रोग्रेड फ्लो हो रहा है RCA से. इनका हमने 6 मिनट वॉक टेस्ट यहाँ पर कराया. 6 मिनट वॉक टेस्ट के अंदर में ये करीबन 31 राउंड चले हैं, यानी कि 1500 फीट से ज़्यादा चले हैं. कोई भी आदमी जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है और 100% ब्लॉकेज है, अगर उसका एफर्ट टॉलरेंस 1000 फीट से ज़्यादा है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से काम चल जाता है. इसको क्योंकि TIA हुआ है तो इसको हम एक छोटी सी डोज ब्लड थिनर की देंगे, साथ में एस्पिरिन देंगे और 3-3 महीने में इवेल्युएट करेंगे. इसमें अलग अलग ओपिनियन होती है. हमारी जो ओपिनियन है वो यही है कि अभी आपको इंटरवेंशन कराने की ज़रूरत नहीं है. आपकी 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी के खराब थे, 1 फेज खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के 2 फेज से काम चल रहा है. अगर उस 2 के अंदर में ब्लॉकेज आ जाती है तब आगे इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप अपना प्रॉपर लाइफ स्टाइल रखेंगे तो आपको अभी ज़रूरत नहीं है. तो इस वक्त में बाईपास की या इंटरवेंशन कराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके लिए कन्विंस नहीं है. ठीक है, थैंक यू. ड्राइविंग कर सकते हैं? जी हाँ, ड्राइविंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं.